हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। सो दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आई थी पुणे से, जो कि मैडम ने कॉल किया था कि सर चढ़ाई पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और तो मैं कैसे क्लच को कंट्रोल करूं, कैसे ब्रेक को कंट्रोल करूं या हैंड ब्रेक पे कार को कंट्रोल करूं। बेसमेंट की पार्किंग से जब भी मैं गाड़ी को निकालती हूं, क्योंकि वो किसी अपार्टमेंट में रहती है जो कि -1, -2, -3 पार्किंग उसमें होती है, बहुत ज्यादा डाउन हिल होता है, चढ़ाई पे काफी प्रॉब्लम्स आती है जब गाड़ियां एक साथ खड़ी होती हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूं, 1 से 5 टिप्स बताऊंगा और बहुत गजब की टिप्स बताऊंगा कि फर्स्ट गियर में कार को बिना एक्सीलेटर आप ऊंची सी ऊंची चढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे पास अभी जो गाड़ी है वो डीजल गाड़ी है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर 4x4। इसकी लंबाई 16 फीट है, इसकी चौड़ाई 9.5 फीट है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि देखिए स्लोपिंग पे खड़े हैं, अभी यहाँ पे दिख रहा है कि कार हमारी स्लोपिंग पे खड़ी है और अच्छी खासी स्लोपिंग है। तो ऐसी चढ़ाई पे हमें कार को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए कोई एक्सीलेटर की नीड नहीं है। डीजल गाड़ी, अगर डीजल गाड़ी नहीं भी होती तो भी कोई एक्सीलेटर की, बस हमें यहाँ क्लच को कंट्रोल करना सीखना है कि हमारी कार का जो क्लच है उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। जो विगनर होते हैं उनको यही नहीं पता चल पाता है। तो मैं पहला मेथड आपको बताऊंगा कि बिना एक्सीलेटर के और बिना ब्रेक के गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हमने दबाया पूरा फुल क्लच और इसको कर दिया फर्स्ट गियर में। अब स्टीयरिंग मेरा सीधा है, सेंटर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो अब मेरा राइट वाला पैर जो ब्रेक पे है, कोई एक्सीलेटर का रोल नहीं है। फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी कर दी, स्टीयरिंग मेरा एकदम सेंटर पॉइंट पे। अब मैंने धीरे 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 क्लच को कंट्रोल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इंजन का साउंड वाइब्रेट कर रहा है, मैंने धीरे से ब्रेक को रिलीज करा। ये देखो, अब ब्रेक से मैंने पैर हटा लिया, ये मेरा पैर नीचे आ गया। अब धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज करा, कार मेरी मूव करनी स्टार्ट कर गई, बिना एक्सीलेटर गाड़ी मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। 1% भी मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया। फिर मैंने पूरा क्लच लिया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, कार का इंजन गियर में एक्टिव हो गया, ब्रेक को छोड़ा, गाड़ी फिर धीरे धीरे मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक ले लिया, फिर गाड़ी मेरी रुक गई। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, इंजन जैसे वाइब्रेट करने लगे, इसका मतलब ये है कि उसका इंडिकेशन है कि आप ब्रेक को फ्री कर दें। मैंने फिर ब्रेक से पैर हटा लिया, गाड़ी मेरी फिर धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, ये था पहला पॉइंट, बिना एक्सीलेटर के कार को आप ऊंची से ऊंची चढ़ाई चढ़ा सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आपकी कार चढ़ जाएगी। तो अभी गाड़ी को हम फिर बैक में लेके जाते हैं, पूरा क्लच दबा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी पीछे से काफी सारी आ रही है, टर्निंग पॉइंट भी और गाड़ियां भी बहुत सारी है। अब जो मेथड सेकंड में आपको बताऊंगा, उसके लिए भी बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा और कभी भी आप गाड़ी स्लोपिंग पे तो कभी फंस ही नहीं सकते हैं। तो अभी गाड़ी जैसे मैंने रोक रखी है और अब मेरी गाड़ी फिर पीछे जाने लगी, क्योंकि मैंने वापस पूरा क्लच दबा लिया है, मैंने फुल क्लच लेके ब्रेक ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मैंने ब्रेक लगा रखा है और क्लच ले लिया, गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में है, गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में। हमने क्या करा, धीरे 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 क्लच को रिलीज किया और जैसे गाड़ी का गियर एक्टिव हुआ, हल्का सा एक्टिव होते हमने हल्का एक्सीलेटर लिया और गाड़ी धीरे धीरे चढ़नी स्टार्ट। फिर पूरा क्लच दबाया, फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा, ब्रेक से पैर हटा के हल्का एक्सीलेटर लेके फिर चढ़ गई। फिर पूरा क्लच दबाया, फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, इंजन वाइब्रेट करते फिर हल्का एक्सीलेटर ले लिया, फिर गाड़ी चढ़ गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा, मैंने धीरे धीरे ये देखो फिर हल्का एक्सीलेटर ले लिया, फिर गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई। फिर पूरा क्लच दबाया, फिर धीरे धीरे क्लच को ब्रेक से पैर तभी हटाना है आपको जब आपका कार का इंजन वाइब्रेट करने लगे। मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, फिर ये देखो गाड़ी चढ़नी स्टार्ट हो गई हल्का सा एक्सीलेटर लेके। तो ये दोस्तों सेकंड पॉइंट था, मेथड सेकंड की हल्का सा एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को कैसे बढ़ाना है। जैसे बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई, बहुत ज्यादा हिली एरिया है और यहाँ पे तो हमें एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को कैसे उठाना है। तो ये दूसरा मेथड था। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड मेथड कि हैंड ब्रेक पे कार को कैसे कंट्रोल करना है। तो अभी गाड़ी मेरी पीछे जा रही है और थोड़ा सा और मैं पीछे लेके जाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों मेथड थर्ड। तो हमने लगा दिया यहां पे हैंड ब्रेक लगा दिया। अब जो हमारा राइट वाला जो पैर है वो फ्री हो चुका है, फ्री हो गया,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंची जब चढ़ाई होती तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम। अब हमने क्या करा, राइट वाला पैर हमारे एक्सेलेटर पे है, लेफ्ट वाला क्लच पे, हमारा हाथ जो है वो हैंड ब्रेक पे है। अब हमने धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, धीरे 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 इंजन वाइब्रेट करने लगा ये। अब हमने क्या करा, हैंड ब्रेक को अनलॉक कर दिया, यहां से उठा के स्विच को दबा के रखा। जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा, इधर मैंने हल्का सा एक्सेलेटर लिया और धीरे से हैंड ब्रेक को धीरे धीरे डाउन कर दिया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट। फिर पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, फिर मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया, फिर मेरा राइट वाला पैर फ्री हो गया, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, धीरे धीरे क्लच को जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा, ये देखो इंजन वाइब्रेट करने लगा, मैंने हैंड ब्रेक को अनलॉक करके हल्का सा एक्सेलेटर लेके गाड़ी को बढ़ा दिया। फिर पूरा क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, फिर हैंड ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, फिर मैंने ब्रेक से फ्री कर दिया। तो हैंड ब्रेक का जो पैर वाला ब्रेक था, फुट वाला ब्रेक, वो अब ये हैंड ब्रेक काम करने लगा। मेरा राइट वाला पैर फ्री है, मैंने एक्सेलेटर पे रख रखा। जैसे मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, धीरे 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 ये अब इंजन जैसे वाइब्रेट करने लगा, मैंने फट हैंड ब्रेक को अनलॉक कर दिया और हल्का एक्सेलेटर ले लिया, गाड़ी फिर चढ़ गई। फिर पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक लिया, हैंड ब्रेक लगा दिया, फिर राइट वाला पैर मेरा फ्री हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को धीरे धीरे रिलीज किया और इंजन जब वाइब्रेट करने लगा, बस हल्का सा मैंने एक्सेलेटर लिया और हैंड ब्रेक को अनलॉक कर दिया, गाड़ी मेरी चढ़ गई। तो दोस्तों ये था थर्ड मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ मेथड का, कि हमें जो आपको चौथा टिप्स देने वाला हूं वो क्या है, कि बहुत ज्यादा मान लो स्लोपिंग वाला एरिया है, ऐसी है खड़ी चढ़ाई, नैनीताल की खड़ी चढ़ाई, गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही, पीछे जा रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, बहुत ही गजब का आपको मैं पैटर्न बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अभी गाड़ी मेरी पीछे जा चुकी, अच्छी खासी स्पेस। अब ये देखो, अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे हम, जी गाड़ी मैंने रोका और मैंने यहां पे ले लिया फर्स्ट गियर, ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने धीरे 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 राइट वाला पैर जो मेरा है आधा ब्रेक पे है और आधा एक्सेलेटर पे है, आधा पैर एक्सेलेटर आधा ब्रेक। अब मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया और इधर ब्रेक को फ्री किया, हल्का सा एक्सेलेटर लेके धीरे 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 गाड़ी बढ़नी स्टार्ट। फिर मैंने ब्रेक लगा लिया, गाड़ी रुक गई। पंजा मेरा एक्सेलेटर पे है और जो तलवा मेरा है वो ब्रेक पे। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हल्का सा एक्सेलेटर ले लिया, फिर मैंने वापस हाफ ब्रेक पे है और हाफ एक्सेलेटर पे है, एक्सेलेटर थोड़ा डाउन है ये। तो धीरे 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 मैंने फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया और धीरे 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 गाड़ी मेरी बढ़नी स्टार्ट हो रही है। अब मैं जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा, मैंने हल्का सा एक्सेलेटर ले लिया, गाड़ी फिर मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो ये था दोस्तों चौथा टिप्स। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे गाड़ी में काफी लोड है और उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो गाड़ी को कैसे आप निकालेंगे। तो अभी मेरी गाड़ी जाती है बैक में, क्योंकि मैंने डाल दिया वापस बैक गियर, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं मैं, और थोड़ा सा जाने देता हूं क्योंकि थोड़ी सी और ढलान पे गाड़ी आ जाए। गुड। अब दोस्तों एक बार में मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट गियर कर दिया यहाँ पे और धीरे धीरे क्लच को मैंने रिलीज किया, धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया और गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे गाड़ी को मैं क्लच से रोकूंगा और क्लच से बढ़ाऊंगा, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अभी गाड़ी गियर में है, अब ये धीरे से मैंने ब्रेक से पैर हटाया, गाड़ी मेरी गियर में एक्टिव है। अभी देखो मैं एक्सीलेटर का कोई यूज नहीं करूंगा, ब्रेक का कोई यूज नहीं करूंगा, गाड़ी मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। मैंने वापस पूरा क्लच दबा लिया, अब गाड़ी मेरी पीछे नहीं जाने दूंगा मैं। मैंने क्लच से ही गाड़ी को होल्ड कर दिया, क्योंकि जब गाड़ी मेरी पीछे जा रही थी मैंने 20-30% क्लच छोड़ा, तो ये जो क्लच है वो ब्रेक का काम कर रहा है, क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर में है और गाड़ी स्लोपिंग पे है। तो अभी मैंने उतना क्लच छोड़ा है जो कि गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई है पर उठ नहीं पा रही है। मैंने धीरे से क्लच को फिर रिलीज किया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर हल्का सा क्लच छोड़ा, फिर ये ब्रेक का काम करने लगा क्लच। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे हम क्लच से ही गाड़ी को रोक सकते हैं और क्लच से ही गाड़ी को बढ़ा सकते हैं, क्लच से इंजन को एक्टिव करना और क्लच से इंजन को डीएक्टिवेट करना। तो अभी मैंने फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी रुक गई, फिर मैंने धीरे से क्लच को रिलीज किया, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी न्यूट्रल हो गई, फिर मैंने क्लच को धीरे से रिलीज किया, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई। तो दोस्तों फिर पूरा क्लच दबाया, अब यहाँ पे मैंने ब्रेक ले लिया, तो आपने देखा कि अभी जो मैंने 4-5 बार गाड़ी को स्टॉप किया है तो बिना ब्रेक के स्टॉप किया है, एक बार भी मैंने ब्रेक को नहीं लिया था। वापस मैं धीरे धीरे गाड़ी को गियर में एक्टिव कर लेता हूँ,
ये देखो मैंने ब्रेक से पैर हटा लिया, गाड़ी गियर में एक्टिव हो चुकी है, अब ना गाड़ी आगे जा रही ना पीछे जा रही है, अगर मैं क्लच दबा लेता हूँ तो गाड़ी पीछे जा रही है ये देखो, और मैंने वापस क्लच को थोड़ा सा रिलीज किया तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, अब मैंने हल्का सा क्लच को रिलीज किया गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया फिर वापस गाड़ी रुक गई, फिर मैंने थोड़ा सा क्लच छोड़ा गाड़ी फिर गियर में एक्टिव हो गई। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग टू ड्राइव मेरा फर्स्ट चैनल है, सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। तो वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।